नमस्ते, आइए देखते हैं MPJEE 2017 का पेपर। इसमें केवल हम सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देखेंगे या कह सकते हैं कि टेक्निकल सेक्शन केवल कवर करेंगे। इसमें 100 प्रश्न आते हैं, जिसमें से कुछ प्रश्न काट दिए गए हैं आयोग द्वारा, उनको छोड़कर सभी प्रश्न हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में एक तरफ बोरिंग मेथड का नाम दिया है, दूसरी तरफ फील्ड कंडीशन का नाम दिया है। अगर बोरिंग, वास बोरिंग, प्रीकसन बोरिंग, या इसी को प्रीकसन को परितारण या प्रीकसन को परितारण ड्रिलिंग भी कहते हैं। ड्रिलिंग और बोरिंग लगभग में सेम ही होती है। आइए इसका अब इधर फील्ड स्थिति देख लेते हैं। अगर बोरिंग जो हम करते हैं वो सैलो फाउंडेशन के लिए करते हैं, यानी कि इसका तीसरा हो जाएगा, और दूसरा वास बोरिंग जो होता है वो राख को छोड़ करके सभी प्रकार की बोरिंग के लिए किया जाता है, और प्रीकसन बोरिंग यानी अब ये बोल्डर के लिए किया जाता है, या कह सकते हैं बड़े आकार के बोर होल के लिए किया जाता है। इस प्रकार ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 और 2 दोनों हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें टेस्ट की प्रॉपर्टी दी है बिटुमिनन की और स्पेसिफाइड वैल्यू दिया है। तो बिटुमिन की मार्शल स्टेबिलिटी होती है कम से कम 340 किग्रा, फ्लो वैल्यू 0.25 mm यूनिट होती है 8 से 16 के बीच, एयर वाइड होता है लगभग इसमें 3 से 5%, और ये बिटमन जो इसमें फील्ड होते हैं वाइड्स में वो होता है 75 से 85 के बीच, यानी पी का 2 हो जाएगा, क्यू का 4 हो जाएगा, आर का 3 हो जाएगा, यस का 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यह एक सर्वे का क्वेश्चन है, यह एक जनरली पाइथागोरस प्रमेय पर लगेगा, यानी कि लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। इसमें बी सी का मान दिया है आपको, ए बी का मान दिया है, और ए सी में अवरोध है, तो आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, उसी से निकाल लेंगे, यानी ए सी इक्वल टू अंडर रूट बी सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन दिया है सर्वेयर कंपास पे। सर्वेयर कंपास किस प्रिंसिपल पर काम करता है, सर्वेयर कंपास किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये तो क्वाड्रेंटरल बियरिंग सिस्टम पे काम करता है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है इस्टीमेट है। इस्टीमेट का एक प्रकार जिसमें संरचना का प्लिंथ एरिया, ढांचे का क्यूबिक कंटेंट इकाइयों की संख्या के आधार पर तैयार किया जाता है, लागत का द्रुत मूल्यांकन कहलाता है, यह प्राइमरी इस्टीमेट कहलाता है, यानी प्रीलिमिनरी इस्टीमेट कहलाएगा। आगे है पूछा है कि आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन डिजाइन ऑफ एनी स्टील स्ट्रक्चर अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यह कहलाएगा आपका पॉइसन रेशियो की परिभाषा ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। स्ट्रीम लाइन्स आर स्ट्रेट एंड पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दी ऑर्फिस इज नोन एज, ये वेना कंट्रैक्टा की परिभाषा होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे है इन ए पिच्ड रूप द एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्लोप्स इज कॉल्ड, यानी ढलवा छत में दो ढलानों के प्रतिच्छेदन के मध्य जो
न्यून कोण होता है उसको पूछ रहा है, इसको वैली कहते हैं, और जो ऊपर होता है उसको रिज कहते हैं। आगे देखते हैं, ये ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन, इन ए ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इज अचीव्ड व्हेन स्लोपिंग स्लाइड्स मेक्स एन एंगल ऑफ विथ द वर्टिकल, यानी ये 45 डिग्री पर होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इन एन एवरेज हाउ मच परसेंट वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, यानी ये 23% इसमें होगा क्योंकि यही होता है, एवरेज लिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज आल्सो नोन एज, या तो हाइड्रोलिक रेडियस कहलाता है, यानी कि एक सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ए टी बीम बिहेव्स एज ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इज इक्वल टू इट्स फ्लैंज इफ इट इज न्यूट्रल एक्सिस, या पूछ रहा है कि एक टी बीम है जो एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह कार्य करने लगती है जब इसका न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के भीतर में आ जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं वेंचुरी 13वां नंबर क्वेश्चन, वेंचुरी फ्लूम इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर, यानी कि ये तो डिस्चार्ज मापने का काम आता है, यानी इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही, डिस्चार्ज इन ओपन फ्लो, ओपन चैनल फ्लो। आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन, ए डीप सील ट्रैप विच इज प्रोवाइडेड ऑन एक्सटर्नल फेस ऑफ वॉल एंड ऑन आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ए डीप सील ट्रैप विच इज प्रोवाइडेड ऑन एक्सटर्नल फेस ऑफ वॉल फॉर डिसकनेक्टिंग द वेस्ट वाटर फ्लोइंग फ्रॉम किचन फ्रॉम बाथरूम एट्सेट्रा इज कॉल्ड, यह तो गली ट्रैप की परिभाषा है, यानी कि वह ट्रैप जिसका उपयोग दीवार के बाहरी पृष्ठ पर किचन बाथरूम इत्यादि से निकलने वाले अपशिष्ट जल को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको गली ट्रैप कहते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, करेक्टरिक यानी कि ये करेक्टरिस्टिक डिजाइन लोड इज इक्वल टू यानी मीन लोड प्लस के इंटू एस होता है, यानी इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें ये इन ए स्टील स्ट्रक्चर द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव लोड पी विच कैन बी अलाउड ऑन कंप्रेशन मेंबर, यानी ये कंप्रेशन मेंबर पर पूछ रहे हैं, तो ये प्रतिबल गुणे एरिया होता है मैक्सिमम लोड, यानी कि सिग्मा ए सी इंटू ए, पी बराबर सिग्मा ए सी इंटू ए, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, स्ट्रेन इन स्टील रीचेस इट्स अल्टीमेट वैल्यू अर्लियर देन स्ट्रेन इन कंक्रीट इन का इसका, यानी यह एक कंडीशन होती है ओवर इन फोर्स्ड अंडर इनफोर्स्ड या बैलेंस सेक्शन की, तो ये स्टील पहले पहुंच रहा है तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछ रहा है ग्रेनाइट एंड रियोलाइट आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो ग्रेनाइट एग्नियस राख होती है, एग्नियस सेल होती है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन में रोड एस्टिमेशन है, द अर्थवर्क इज एस्टिमेटेड फॉर लीड एंड लिफ्ट कमान दोनों का नाम मान पूछा है, तो ये 30 मीटर लीड होता है और 1.5 मीटर लिफ्ट होता है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, विंडोज वेयर शटर्स ओपन्स लाइक स्टोर आर टर्न एज, यानी कि ऐसी खिड़कियां जिनमें के पल्ले या दरवाजे जो भी कहते हैं जिनके पल्ले शटर दरवाजों की भांति यानी ऊपर की तरफ खुलते हैं उसको कहते हैं कैसमेंट विंडो। आगे देखते हैं 21 नंबर कि एरिया ऑफ विंडो ओपनिंग शुड बी अबाउट ऑफ, यानी फ्लोर एरिया का कितना परसेंटेज एरिया विंडो में होना चाहिए, मिनिमम 15% अवश्य होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, विच टाइप ऑफ इरिगेशन स्ट्रक्चर इज इंस्टॉल्ड व्हेन बेड लेवल ऑफ रिवर इज क्विट हायर देन द बेड लेवल ऑफ कैनाल, यानी कि पूछ रहा है कि ये
जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क कराया जाता है उसमें नदी का बेड लेवल नहर के बेड लेवल से बहुत ऊंचा है, तब कौन सा होगा? तब ये नहर नीचे से गुजर जाएगी यानी सुपर पासेज हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड आरफिस, यानी कि स्टैंडर्ड आरफिस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, यानी यह तो अंडरस्टैंड शार्प एज्ड आरफिस। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूड इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैव नो विस्कॉसिटी, या आइडियल फ्लूड की परिभाषा होती है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन इन केस ऑफ बिल्डिंग न्यू वर्क अंडरनीथ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स स्टेबिलिटी, यानी कि मौजूदा ढांचा के नीचे बिना इसको गिराए यानी बिना इसके स्टेबिलिटी को क्षति पहुँचाए इमारत में नए कार्य करने के मामले में क्या किया जाता है, ये अंडरपिनिंग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, प्लाईवुड इज स्पेसिफाइड बाई, तो प्लाईवुड किसके द्वारा बताया जाता है या निर्देशित किया जाता है, यह होता है इसकी थिकनेस के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 27, फॉइज इज यूनिट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी फॉइज किसकी यूनिट है, या तो एक आसान क्वेश्चन हो जाएगा, विस्कॉसिटी की यूनिट होती है। आगे देखते हैं, जिंक और एल्युमिनियम पाउडर आर यूज्ड एज, अच्छा ये जिंक और एल्युमिनियम पाउडर जो होता है किसके रूप में यूज किया जाता है कंक्रीट में, ये होते हैं एयर इंट्रेनिंग एजेंट होते हैं, एडमिक्सर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। आगे 29 नंबर, फाइनेस मॉडुलस गिव्स एन आइडिया अबाउट, फाइनेस मॉडुलस के द्वारा हम क्या आइडिया प्राप्त करते हैं, फाइनेस मॉडुलस के द्वारा हम एक विशेष प्रकार की साइज या कह सकते हैं मीन साइज ऑफ पार्टिकल इन एग्रीगेट्स का मान निकालते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही। आगे देखते हैं 30 नंबर, द रिबेट्स इन चौकट में बी टेकन एज, यानी चौकटों में जो रिबेट होती है वो कितनी ली जाती है, ये तो 8, अच्छा इसमें दो ऑप्शन है 8 से 12 mm और 12 से 20 mm, हम लोग को न्यूनतम 12 mm पढ़ाया जाता है, तो 12 से 20 mm इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 8 से 12 mm पर भी विचार किया जा सकता है लेकिन न्यूनतम 12 mm होना ही चाहिए, 12 से 20 mm इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन। आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ द पावर डेवलप्ड बाय द रनर टू द नेट पावर सप्लाइड बाय द वाटर एट इंट्रेंस ऑफ द इंट्रेंस टू द टर्बाइन इज नोन एज, यानी कि कुल मिला के यह पूछ रहा है कि कुल मिलाकर यह पूछ रहा है कि कौन सी एफिशिएंसी यह है, यह हो जाएगी पावर डेवलप्ड बाय रनर टू द नेट पावर सप्लाइड बाय द वाटर, यानी यह हाइड्रोलिक हो जाएगी। आगे देखते हैं 32 नंबर, द वाटर फ्रीजेज एट, अच्छा ये वाटर किस तापमान पर फ्रीज होता है, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आगे देखते हैं, दिस सैंक्शन ऑफ डिटेल एस्टिमेट डिजाइन कैलकुलेशन क्वांटिटीज ऑफ वर्क रेट्स एंड कास्ट ऑफ द वर्क बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन नोन एज, यह टेक्निकल सैंक्शन की परिभाषा हो गई, यानी ये 33 नंबर का चौथा क्वेश्चन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं 34, द डिस्चार्ज इक्वेशन फॉर ट्रायंगुलर नॉच आर वियर इज, यानी कि ट्रायंगुलर का फार्मूला होता है 8/15 सी डी टेन थीटा बाई 2 अंडर 2g एच की पावर 5/2, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 35 नंबर, द डिफरेंस इन श्रिंकेज बिटवीन सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ कंक्रीट रिजल्ट इज, कंक्रीट की सतह तथा आंतरिक भाग के मध्य संकुचन में अंतर के कारण परिणाम स्वरूप क्रेजिंग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ब्लीडिंग होगा नहीं, सेग्रीगेशन होगा नहीं, तो फ्लोरसेंस भी होगा नहीं, यानी क्रेजिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर,
द विंडो विच प्रोजेक्ट्स आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल ऑफ रूम इज कॉल्ड एज, यानी ये बे विंडो हो जाएगी। आगे देखते हैं 37 नंबर, द एफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट्स इज इक्वल टू, ये तो रिवेट जॉइंट की एफिशिएंसी क्या होती है कि यानी कि उसकी होती है कि रिवेट जॉइंट की स्ट्रेंथ, यानी या कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होता है, जो भी रिवेट की न्यूनतम मान होता है वो, और सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ इंटू 100, दोनों का अनुपात, यानी ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, दूसरा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट ज्वाइंट स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100। ओके, आगे देखते हैं 38 नंबर, द सपोर्ट टू लोड एबव द ओपनिंग इज नोन एज, अच्छा द्वार के ऊपर, काफ़ी अंतर हो जाता है इंग्लिश और हिंदी में, द्वार के ऊपर भार के समर्थन को लिंटल डाला जाता है, ये तो आप भी जानते होंगे। आगे देखते हैं कि स्टैंडर्ड 39 नंबर देखते हैं, व्हाट शुड बी द वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड ब्रिक, स्टैंडर्ड ब्रिक की वेट कितना होना चाहिए, 3 kg होना चाहिए, 3.5 kg होता है जनरली, इसमें 3 kg ऑप्शन दिया तो 3 kg मारा जाएगा। आगे पूछा व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ ए स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक टाइल, है याद रहे यहाँ पे टाइल दिया है, अधिकतर लोग ब्रिक मार के आ जाते हैं 19x9x9, लेकिन यहाँ पे होगा 20x10x5, जनरली अगर आप झटके में पड़ेंगे तो 20x10x10 या तो मार के आएंगे या 19x9x9 मार के आएंगे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं है, मॉडुलर है चूँकि, तो मॉडुलर ब्रिक टाइल है इसलिए 20x10x5 हो जाएगा। आगे देखते हैं व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ ब्रोकन ब्रिक, इसमें ब्रोकन ब्रिक का यूनिट वेट पूछा है, यानी 14.2 × 10³ न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। आगे देखते हैं कि व्हाट इज द लीस्ट विंडो ओपनिंग फॉर 30 m³ इन साइड वॉल्यूम ऑफ रूम, यानी 30 m³ का अगर वॉल्यूम रूम का वॉल्यूम है, यानी 30 m³ रूम का वॉल्यूम है तो कितना कम से कम विंडो ओपनिंग चाहिए, 1 m चाहिए इसके लिए, इसके लिए अलग से फार्मूला आता है जो कि आप इस्टीमेट की बुक में देख सकते हैं, यानी इसका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज का इक्वेशन पूछा है, यानी 4σ/ρgD। आगे देखते हैं 44 नंबर, व्हाट इज द रेंज फॉर डिफ्यूजिटी आप कंक्रीट विच विल चेंज टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टिविटी, इसका हो जाएगा 0.002 to 0.006 m² / घंटा। ठीक, आगे देखते हैं 45 नंबर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन, यानी कि ये मेगा पास्कल होता है इसका, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट होती है मेगा पास्कल, यानी MPa, यह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 46 की, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशन, यानी बुकिंग डायमेंशन की ऑर्डर या क्रम क्या होता है, तो ये पहले लेंथ ब्रेड हाइट होता है, यानी लंबाई चौड़ाई फिर ऊंचाई, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ये 47 नंबर, फैकल्टी बैक्टीरिया आर्दोज, यानी कि ये तो गुप्ता गुप्ता का ही क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग कर ही लेंगे कि जो विथ आर विदाउट ऑक्सीजन दोनों के रूप में काम कर सकते हैं, यानी पहला क्वेश्चन ये सही है, इसमें पहला आंसर ही सही है। आगे देखते हैं व्हेन ए कॉन्ट्रैक्टर इज पेड 10% ओवर द एक्चुअल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एज हिज प्रॉफिट इज टर्म्ड एज, कि जब एक कॉन्ट्रैक्टर को उसके विनिर्माण की वास्तविक लागत पर नियत प्रतिशत का उसके लाभ के रूप में भुगतान किया जाता है तो इसे कहते हैं कास्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, यानी पहला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं यह एक सवाल है 49 नंबर, तो इसको आप स्वयं करिए। आगे देखते हैं 50, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक डिफाइंस
डिफाइंस इट्स कैपेसिटी टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक डिफाइंस इट्स कैपेसिटी टू स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ये पोरोसिटी हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे है, पहले ही ऑप्शन खाली दे दिया, इज यूज्ड फॉर ओशियन साउंडिंग वेयर डेप्थ ऑफ वाटर इज टू मच, यानी डॉट डॉट का उपयोग समुद्र में उन स्थानों पर गहराई मापने के लिए किया जाता है जहाँ पर गहराई बहुत अधिक होती है, यानी ये फैदोमीटर। आगे देखते हैं, कार्ड बिटवीन टू सक्सेसिव स्टेशन इस कार्ड, ये तो नॉर्मल कार्ड की परिभाषा है। आगे देखते हैं 53 नंबर, ए फ्रेटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विच विथ इन डैम बिलो विच देयर आर पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं, वाटर सील इन गली ट्रैप इज यूजुअली फ्रॉम, तो सील की गहराई न्यूनतम कितनी होती है, 50 से 75 mm रखते हैं इसको, यानी पहला ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज द 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन फॉर टू लेन नेशनल आर स्टेट हाईवे लोकेटेड इन माउंटेनियस एंड स्ट्रीप टेरेन, यानी 8.8 मीटर ये तो होता ही है चाहे वो टू लेन और नेशनल या स्टेट हाईवे कहीं पर भी हो। आगे देखते हैं 56, व्हाट इज द क्राउन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू एजेस टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट ऑफ 7.0 मीटर एंड वेरी हाई रेनफॉल। इसके लिए हम आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन जो कि एक सवाल है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। आगे 57 नंबर भी एक सवाल है, इसके लिए भी एक अलग से वीडियो। आगे देखते हैं 58 नंबर, ए फिक्स्ड स्टिपुलेटेड सम ऑफ पेनाल्टी पेएबल बाय द कॉन्ट्रैक्टर हैविंग नो रिलेशनशिप विद रियल डैमेज इन नोन एज, यह तो लिक्विडेटेड डैमेज कहलाता है, उसकी परिभाषा है, यानी ठेकेदार के द्वारा भुगतान की जाने वाली वह धनराशि जो एक अर्थदंड के रूप में होती है जिसका वास्तविक क्षति से कोई संबंध नहीं होता, यानी यह लिक्विडेटेड डैमेज होती है या पहले से ही निर्धारित होती है। आगे देखते हैं कि 0.5 mm से कम आकार और 1 mm पर आवर से कम तीव्रता वाली असंख्य पानी की बिंदुओं वाले महीन छिड़काव को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, ये ड्रिजल की भी एक परिभाषा है। ड्यूरिंग सीपेज थ्रो ए सॉयल द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज ऑलवेज, सीपेज की डायरेक्शन पूछा है तो यह तो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ एलम एज ए कोगुलेंट फॉर टर्बिड वाटर द पीएच शुड बी इन रेंज ऑफ 6.5 से 8.5 के बीच में होता है, तो इसमें दिया है वहाँ तीसरा ऑप्शन दिया है 6.5 से 8.3। आगे देखते हैं, इन रिवर्स कर्व व्हेन टू रेडियाई आर इक्वल देन द लेंथ ऑफ द कर्व इज गिवन बाय, ये होता है एल इक्वल टू अंडर रूट 4RV, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। आगे 63 नंबर, वेबस्टर मेथड इज यूज्ड फॉर, वेबस्टर मेथड का उपयोग कहाँ से किया जाता है, यानी कि डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल। आगे देखते हैं 64 नंबर, डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ लॉन्ग कार्ड टू द मिड पॉइंट ऑफ कर्व, यानी कि लॉन्ग कार्ड और मिड पॉइंट के कर्व, दोनों के मिड पॉइंट के कर्व के बीच की दूरी को मिड ऑर्डिनेट कहा जाता है, यानी कि ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 65 नंबर एक सवाल है, यानी कि इसको भी एक उसी वीडियो में रख लिया जाएगा जिसमें सारे सवाल रहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट मेजर्ड अलोंग ए स्लोप इज 4 to 8 मीटर। आगे देखते हैं 66 नंबर,
दी स्मॉलेस्ट वाटर कंटेंट बिलो विच दिस सॉयल सैंपल विल नॉट रिड्यूस इट्स वॉल्यूम एनी फर्दर इज नोन एज, यानी कि वह मैक्सिमम वाटर कंटेंट नहीं, या वह मिनिमम वाटर कंटेंट जिसके नीचे सॉयल अपना आयतन चेंज नहीं करते या उसके आयतन में और कोई कमी नहीं की जा सकती, वह कहलाता है श्रिंकेज लिमिट। आगे देखते हैं, दी डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग लार्ज साइज सीवेज सॉलिड्स टू लेस देन 6 mm साइज इज कॉल्ड, यानी कि सीवेज के बड़े आकार वाले ठोसों को 6 mm से कम आकार वाले टुकड़ों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है? ये कम्यूटर कहलाता है, यानी अवचूर्णित्र, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। यानी आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, द ग्रेजुअल रिडक्शन इन वैल्यू विथ एज ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज, यह कहलाता है डिप्रिसिएशन, यानी यह कहलाता है डिप्रिसिएशन, इसका मतलब इस तीसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। 69 नंबर देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्प्रवरी स्ट्रक्चर टू सपोर्ट एन अनसेफ स्ट्रक्चर इज टर्म एज, एक असुरक्षित ढांचे को सहारा प्रदान करने के लिए अस्थाई ढांचे का निर्माण सोरिंग कहलाता है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर, द सुटेबल लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन इरेगुलर ग्रोन टाउन इज कॉल्ड, इरेगुलर ग्रोन टाउन है तो इसमें डेड इंड लगता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर देखते हैं, द मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया विच ए सॉयल कैन कैरी विदाउट इल्डिंग, बिना इल्डिंग के द्वारा बिना इल्डिंग प्राप्त किए मैक्सिमम लोड जो सॉयल वहन कर सकती है, यह कहलाएगा वेयरिंग कैपेसिटी, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। द डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज इन इंस्ट्रूमेंट मेथड एंड ऑब्जर्वेशन इज टर्म्ड, ये प्रिसिशन यानी परिशुद्धता कहलाता है। आगे देखते हैं 73 नंबर, द कंडीशन विच एराइजेस व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, ऐसी स्थिति जब इमेज क्रॉस हेयर के प्लेन में न हो, तो इसको कहते हैं दिशांतर आभास। आगे देखते हैं 74, डी ऑप्शन सही हो जाएगा ऊपर वाले। 74 देखते हैं, गिवेन द ग्रेड एंड सीवर डायमीटर सेंटो क्रिम्प टेबल कैन बी यूज डायरेक्टली टू डिटरमाइन, यह ग्रेड और सीवर का व्यास दिया होने पर सेंटो क्रिम्प मेथड का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी सेंटो क्रिम्प का जो तालिका है उसमें क्या क्या दिया रहता है, यदि ग्रेड और सीवर का व्यास दिया हो तो उसमें वेलोसिटी और डिस्चार्ज दिया रहता है, यानी कि उसमें वेलोसिटी और डिस्चार्ज दिया रहता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नहानी ट्रैप इज प्रोवाइडेड एट दी, नहानी ट्रैप कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, हेड ऑफ ईच हाउस ड्रेन। 76 नंबर देखते हैं, ए वर्टिकल ज्वाइंट ऑन फेस ऑफ वॉल डायरेक्टली ओवर वर्टिकल ज्वाइंट्स इन अल्टरनेट कोर्स इज टर्म्ड एज, एक दीवार के फलक पर एक ऊर्ध्वाधर जोड़ एक एकांतर कोर्स में ऊर्ध्वाधर जोड़ पर प्रत्यक्ष अधिक होता है जो कहलाता है, ये परपेंड कहलाता है। आगे देखते हैं 77, इन ए कैनाल साइफन द फ्लो इज पाइप फ्लो, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए टू लेन रोड विथ दी डिजाइन स्पीड ऑफ 80 km/h हैज ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 500 m, व्हाट इज दी रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, इसको भी अलग से करवा दिया जाएगा इक्वल टू बी। आगे देखते हैं 79, पाइपिंग इन सॉयल ऑकर्स व्हेन, मृदा में पाइपिंग एक्शन कब होती है, जब इफेक्टिव प्रेशर आपका जीरो हो जाता है, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही। 80 नंबर देखते हैं, द रेडियस एंड द लेंथ ऑफ लॉन्ग कर्ड
ऑफ ए सैंपल कर्व आर 202 मीटर एंड 80 मीटर रिस्पेक्टिवली। दी वर्स डिजाइन ऑफ कर्व, इसको भी अलग से एक वीडियो बना के कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर इन सॉइल। इसमें पहला है पोर वाटर प्रेशर इज नेगेटिव इन कैपिलरी जोन, या एक सही है। वाटर इज अंडर टेंशन इन कैपिलरी जोन, यह भी सही है। कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल, नहीं। कैपिलरी प्रेशर जो होता है कि कैपिलरी प्रेशर जो होता है वो आपका फाइन ग्रेन्ड सॉइल में अधिक होता है, यानी तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही आंसर भी हो जाएगा। आगे देखते हैं 82 क्वेश्चन। विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सैंपलिंग फॉर ऑब्टेनिंग ए डिस्टर्ब्ड सैंपल ऑफ सॉइल, या स्प्लिट स्पून सैंपलर होता है, यह तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 83 क्वेश्चन। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डिमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली बाई, ये डार्सी का नियम है कुल मिला के। मृदा से होकर जल के प्रवाह की दर जलीय गुणत जलीय प्रवणता के समानुपाती होता है। इसका प्रायोगिक रूप से किन्होंने किया था, ये डार्सी जी ने किए थे, हेनरी डार्सी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया 84 नंबर। द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज 5×10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर ए सर्टेन पोर फील्ड। इफ द विस्कोसिटी ऑफ पोर फील्ड इज रिड्यूस्ड टू हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी विल बी, यह अभी एक सवाल है, इसको बाद में करा दिया जाएगा। हालांकि केवल आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। दी एयरेशन ऑफ वाटर इज डन फॉर रिमूवल ऑफ डिजॉल्व गैस के लिए किया जाता है। एयरेशन ऑफ वाटर डिजॉल्व गैस को दूर करने के लिए किया जाता है। 86 नंबर देखते हैं। द लेंथ ऑफ रोड अहेड ऑफ व्हीकल विच इज विजिबल टू द ड्राइवर इज कॉल्ड, ये साइट डिस्टेंस की परिभाषा है। वाहन के आगे की सड़क लंबाई जिसे वाहक देख सकता है उसे स्पष्ट दूरी, वाहन के आगे एक सड़क की लंबाई जिसे वाहक देख सकता है उसे दृष्टि दूरी कहा जाता है। आगे देखते हैं 87 नंबर। ए सेप्टिक टैंक रिप्रेजेंट, इसमें होता है एनएरोबिक सिस्टम होता है। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। द वाल्व विच अलाउज यूनिडायरेक्शनल ऑफ वाटर इन ए पाइप इज कॉल्ड, यानी कि एक तरफा वाल जो होता है केवल एक दिशा में पानी के प्रवाह को जाने देता है, इसको रिफ्लक्स वाल कहते हैं। आगे देखते हैं 89। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाई, ये बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है वायुमंडलीय दाब। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, या तो एरेशन फॉलोड बाई कोएगुलेशन। बाकी के 10 क्वेश्चन आयोग द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं, इसलिए केवल 90 ही क्वेश्चन इसमें माने जाएंगे। धन्यवाद।